और इन सारे निर्णयों में आप सच मानिए, पांच ये चाहे अनाज देने की बात हो, चाहे रसोई की गैस देने की बात हो, चाहे शौचालय देने की बात हो, मकान देने की बात हो, आयुष्मान में दवाई की व्यवस्था करने की बात हो, ऐसे सारे निर्णयों में माननीय सांसद जी का, आपके नेता जी का भी उतना ही योगदान है जितना किसी और नेता का, किसी और मंत्री का भारत सरकार के योगदान है। क्योंकि मुझे मालूम है इनकी कितनी नजदीकी है माननीय मोदी जी के साथ, इनकी कितनी नजदीकी है माननीय अमित शाह जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ। इनकी बातें लोग गंभीरता से सुनते हैं। जब आपका यहाँ का सांसद इतना अनुभव के साथ, इतना प्रचंड जनाधार के साथ, जब ये आपके नेताजी दिल्ली जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी से मिलते हैं और कहते हैं कि साहब ये गरीबों के अन्न का सवाल आ रहा है, गरीबों के मकान का सवाल आ रहा है, तो किसी की ताकत नहीं है। जो हर जो सब ऊंचे पे ऊंचे से ऊंची कुर्सी में बैठा हुआ मंत्री प्रधानमंत्री जो है उनकी बात सुनते, तो ऐसी जो आपको छत्र छाया मिली हुई है, उस छत्र छाया में रहना ही इस क्षेत्र की भलाई है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां एक तरफ इनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय कक्षा का है, जहां इनका व्यक्तित्व राज्य कक्षा का है, वही गली के कूचे की, सड़क की, बिजली की, पानी की, पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, जल निकासी की सारी चिंता करते हैं। और कुछ क्षेत्रों में तो इन्होंने, इनका व्यक्तिगत योगदान इतना बड़ा है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इतनी सारी संस्थाएं हमारे इन गरीब इलाकों में, चाहे मध्यांचल का इलाका हो, अवध का इलाका हो, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो, शिक्षा जो है एक बहुत ही समस्या थी। स्कूल कम थे, क्वालिटी एजुकेशन की कमी थी। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसी जगहों पे जो इन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में काम किया है, करवाया है, और जो अभी अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष जी बोल रहे थे, गरीबों का सशक्तिकरण। देखिए, जब इनका इतना जनाधार बड़ा है, तो कोई कांग्रेस पार्टी तो ये है नहीं कि हर पद पे अपने ही घर के लोगों को बैठा दें, और समाजवादी पार्टी तो है नहीं कि अपने ही परिवार का खोज करके ला करके लोगों को ये पंचायत, वो पंचायत, वो पंचायत दे दे। ये बैठाते हैं किसको, जैसा कि जिसका वर्णन माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से किया है, बहराइच जिले में तो ये पिछड़ी जाति का व्यक्ति, यहाँ गोंडा में तो ब्राह्मण व्यक्ति, अन्य तमाम, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, चाहे विधायक का हो, हर क्षेत्र को ऐसे सामाजिक समीकरणों के साथ, सामाजिक न्याय के साथ, लोगों के साथ न्याय हो, हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसकी चिंता करने वाला बहुत ही कम, बहुत ही विलक्षण व्यक्तित्व आपके पास है। उनका सम्मान, उनके सम्मान में मैं तो ये कहूंगा कि अगर सांसद जी ने 5 लाख का लक्ष्य तय किया है, तो उनके सम्मान में आप लोग 5 लाख के लक्ष्य को भी पार करके जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचंड बहुमत से आप चरण जी को जिताएंगे, उतना ही हम सबका सम्मान बढ़ेगा। एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हम भी सांसद जी से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी बात हम भी सुनने को लालायित है। एक बात मैं जरूर कहूंगा भाइयों बहनों कि देखिए, जब 5 लाख की बात हो जाती है, तो आप ये मत मान लीजिएगा कि हम वोट देने के जाए कि नहीं जाए, करण जी तो 5 लाख से जीत ही गए हैं। सांसद जी का इतना प्रभाव है कि हम घर में भी बैठे रहेंगे तब भी उनका, करण जी जो है 5 लाख से नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको स्वयं आज देखिए, अब चुनाव का प्रचार का अंतिम कुछ घंटे चल रहे हैं, अब के बाद ये माइक और गाड़ियां बंद हो जाएंगी, आपको फिर 24 घंटे, 36 घंटे थोड़ा सा और समय मिलेगा। ऐसे समय में यहाँ बैठे हुए हर नौजवान को, हर महिला को, हर व्यक्ति को सांसद जी बनकर के, नेता जी बन के, करण भूषण जी बन करके, आपको घर घर में एक एक वोट निकले, एक एक वोट पे प्रचार हो, बाकी कोई चिंता नहीं है। यहाँ अभी कोई विरोध नहीं है, कोई विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन लोग घरों से वोट डालने निकले, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो अति आत्मविश्वास में या आलस में, बहुत गर्मी पड़ रही है, कौन जाएगा, चलो सांसद जी का बेटा तो जीतने ही वाला है, करण जी तो जीतने, ऐसा आत्मविश्वास अपने लिए ठीक नहीं होगा। आप स्वयं भी अपने पूरे परिवार को वोट दिलाने के लिए निकालें, और अगल बगल वालों की भी चिंता करें, कोई काका, कोई काकी, कोई चाचा, चाची, चाची, अगर उनको मदद करने की आवश्यकता हो
अपने गाड़ी में, अपने स्कूटर पे, अपने मोटरसाइकिल पे जहां तक ले जाया जा सकता है ले जाइए, लेकिन उनको वोट जरूर दिलवाइएगा।